जय यीशु। प्रभु के वचन से हम देखेंगे इस घड़ी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 25 पद से 30 पद तक। प्रभु की करुणा और दया, परमेश्वर की दया बहुत बड़ी है। हमारा परमेश्वर हमारी समस्याओं से बड़ा है। हमारा प्रभु हमारे हर पहाड़ से ऊंचा है। कितने भी ऊंची पहाड़ जैसी समस्या आपके जीवन में क्यों न हो, यीशु ने कहा है पहाड़ से कह दो खड़कर समुद्र में जा गिरे, वो तुम्हारी सुनेगा। ठीक है ना? तो पहाड़ को बोलो, समस्या को बोलो कि उखड़ यहाँ से, वो समुद्र में जा गिर, वो तुम्हारी सुनेगा। आमीन आमीन। जय यीशु। ऐसे ही प्रभु कुछ कह रहे हैं हमसे। हे पिता, यीशु प्रार्थना कर रहे हैं धन्यवाद की, और कह रहे हैं हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। जो हम लोग यहाँ बैठे हैं परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ हैं, बहुत बड़े ज्ञानी लोग नहीं हैं, हम आम आदमी हैं। और इनसे वो भेद की बातें परमेश्वर ने नहीं छुपाई हैं, हमसे बड़ा भेद नहीं छुपाया है। जो मुक्ति का भेद है, उद्धार का भेद है, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने का भेद है, इस भेद को परमेश्वर ने हम मामूली लोगों पर प्रकट कर दिया है। ये प्रभु कह रहे हैं प्रार्थना में, कह रहे हैं धन्यवाद हो पिता तेरा कि तूने इन ज्ञानियों और समझदारों से ये बात छिपा रखी और बालकों पर प्रकट की है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे ये अच्छा लगा। मेरे पिता ने सब कुछ मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। यानी प्रभु यीशु मसीह जिस पर प्रकट करना चाहेंगे पिता को, वो जान जाएगा। हम ज्ञान से, बुद्धि से, अपनी समझ से परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। अपने कर्मों से, अपने भले कामों से, अपने दान से, अपने दान दक्षिणा देने से, अपनी कुर्बानियों से हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, उद्धार और मुक्ति को अगर प्राप्त करना है तो केवल एक ही मार्ग है, विश्वास। क्या है? क्या है? कि विश्वासी बन जाओ, और विश्वासी बनकर ही मुक्ति का द्वार खुल जाएगा तुम्हारे लिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं हे परिश्रम करने वालों और हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे बोझ को जानते हैं, परिश्रम को जानते हैं। हम लोग रात और दिन परिश्रम करते हैं अपने जीवनों में, सब प्रकार का रोजी रोटी का परिश्रम, और बहुत सारे लोग मुक्ति को पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, बोझ से दबे हुए हैं। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इसी बात को एड्रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं 2000 साल पहले जो उस समय के रीति रिवाज थे ज्यूइश कम्युनिटी में, यहूदियों की कम्युनिटी में बड़े भारी रीति रिवाज हुआ करते थे। बड़े पाप को बड़ा जानवर, गरीब आदमी कहाँ से लाए कुर्बानी का, बड़ा जानवर, छोटा जानवर, महंगे जानवर, लेकिन पाप में कोई अंतर नहीं था, ना अमीर के और ना गरीब के, पाप दोनों का बराबर था।
अगर व्यभिचार किया है अमीर आदमी ने तो वही पाप है, अगर व्यभिचार गरीब ने किया है तो वही पाप है, अगर झूठ बोला गरीब आदमी ने तो वो भी पाप है, उतना ही पाप है जितना अमीर आदमी ने पाप बोला है झूठ बोलकर। धोखा दिया है अमीर आदमी ने किसी दूसरे अमीर आदमी को, वही पाप है, अगर किसी गरीब ने धोखा दिया है गरीब आदमी को तो वो भी पाप उतना ही बड़ा है। तो फिर जानवरों के बारे में क्यों बड़ा छोटा कर रहे हो? गरीब आदमी कबूतर का कुर्बानी करके उद्धार पा सकता, छुटकारा पा सकता था, कोई बकरे का तो कोई बड़े बड़े जानवरों का, कोई घोड़े, हर प्रकार के कुर्बानियों के बोझ, हर प्रकार के दान दक्षिणा के बोझ प्रभु यीशु मसीह के समय में यहूदी समाज में प्रचलित थे मेरे प्रियो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, देखो तुम बोझ से दबे हो लोग हो, तुम्हारे पास ऊपर धार्मिकता का बोझ लाद दिया गया, जबकि धार्मिकता ये नहीं है। सच्ची धार्मिकता विश्वास की धार्मिकता है, ना कि कुर्बानियों की धार्मिकता है मेरे प्रियो, ना कि दान और दक्षिणा वाली धार्मिकता है कि कितना तुम कुर्बानी दे दो कितना दान दक्षिणा कर दो। उतनी हालत थी उस जमाने में, इतना बोझ लाद दिया गया था, आज्ञा थी कि तू अपने पिता और माता का आदर करना, पांचवी आज्ञा है 10 आज्ञाओं में से, और यदि उस आज्ञा को कोई नहीं मानना चाहता है अपने मिता पाता माता पिता को, बुढ़ापे में उनका देखभाल नहीं करना चाहता है, तो जो खर्चा माता पिता की देखभाल में आएगा उस खर्चे को तुम यहूदी लोगों की व्यवस्था के आधार पर मंदिर में दे दो, कुर्बान कर दो, तो तुम्हें जरूरत नहीं है वो आज्ञा मानने की। बताइए, परमेश्वर की आज्ञा को मनुष्य अपने नियम बनाकर किस प्रकार टाल देता था उस जमाने में, इस प्रकार के बोझ लदे हुए थे समाज के ऊपर। और इस समाज के बोझ को और उस समय के रीति रिवाजों के बोझ को प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह समझते थे। मनुष्य नहीं बदला है, आज भी समाज आज भी बोझ से लदा हुआ है, बुरी तरह से सामाजिक कुरीतियों से, कुरीतियों के कारण मनुष्य लदा हुआ है बोझ से। और वही बोझ यीशु मसीह कह रहे हैं, मुझे दे दो अपना बोझ, मुझे दे दो, वो तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म करेगा, तुम्हारे जीवन में आश्चर्य होगा, तुम अपने जीवन में मिरेकल पाओगे, बड़े बड़े काम तुम्हारे जीवन में होंगे। बोझ सर पर रखे मत चलो, अपना बोझ प्रभु को दे दो, वो तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु कह रहा है, मैं नम्र और मन में दीन हूं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, अपने मन में विश्राम पाओगे कि मेरा जुआ हल्का है। कितने लोगों ने बैल के कंधे पर जुआ रखा देखा, गर्दन पर बैल देखें, खेतों में जो जुताई करने वाले बैल होते हैं उनकी गर्दन पर एक लकड़ी बनी होती है, उसको जुआ बांधते हैं और उस जुए से वो खींचते हैं उस पूरे बोझ को, चाहे हल्का हो, चाहे बैलगाड़ी का हो, चाहे घोड़ागाड़ी को, सब बोझा लादा जाता है गर्दन के ऊपर। यीशु कह रहे हैं कि मेरा जुआ हल्का है, बहुत हल्का है, मेरा बोझ हल्का है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अपने पाप क्षमा के लिए बड़ा सा बैल और बड़ा सा जानवर कुर्बान करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम बकरा और भेड़ की कुर्बानी करो तब तुम्हारे पाप उसके लहू से धोए जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। यीशु कह रहे हैं ये सब छोड़ो, ये सामाजिक कुरीतियां हैं, इनका बोझ तुम्हारे सर पर लदा हुआ है, अगर तुम्हारा गुनाह माफ होगा तो मनुष्य के लहू से मनुष्य बचाया जाएगा, जानवरों के लहू से जानवर बच सकते हैं आदमी नहीं, आदमी के लहू से आदमी बचेगा। जब डॉक्टर को खून की जरूरत पड़ती है किसी बीमार के लिए अस्पताल में, तो वो ये नहीं कहता है कि जाओ किसी कुर्बानी के बकरे का लहू ले आओ या कुर्बानी के गाय बैल भैंस का किसी का लहू ले आओ और मेरे
इस मरीज को चढ़ा दो। कितने लोग भागते हैं डॉक्टर की जगह बूचड़ खाने में, जाता है कोई? कोई कसाई के पास जाता है लहू लेने के लिए बोतल भर के ले आए? क्योंकि मालूम है कि जानवर के लहू से आदमी ना बचने का। तो जानवर की कुर्बानी से तुम्हारे पाप कैसे धुल जाएंगे यार, सोचो जरा, नहीं धुलेंगे। ये कुरीतियां थी उस जमाने की। प्रभु यीशु मसीह ने इन कुरीतियों की भर्त्सना की है, कहा इन कुरीतियों को त्याग दो और विश्वास का जीवन जियो। परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करो, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र अपना स्वयं लहू बहाकर तुम्हारे लिए कुर्बान किया जाएगा। तुम्हारा बोझ यीशु मांग रहा है। बाइबल में लिखा है, यीशु कह रहे, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कैसे विश्राम देंगे हमें? हमारा बोझ हमारा सर से उठा लेंगे, तो जब उठाएंगे तो उनके हाथों में बोझ जाएगा ना। हमारे गुनाह हाथों में गुनाह किया था, यीशु मसीह ने अपने हाथों को फैला दिया क्रूस पर, उनके हाथों में कीले ठोकी गई। हमारे पैर गुनाह के लिए भागे, यीशु के पैरों में कीले ठोकी गई। हमारा सर सब प्रकार के गुनाह की संरचना करता था, यीशु के सर में कांटों का ताज ठोक दिया गया, उनका लहू बह रहा था। हम पाप किए, बीमारी और रोग श्राप हमारे हृदय में थे, यीशु की पीठ पर कोड़े मारे गए। यीशु मसीह की कुर्बानी से 700 वर्ष पूर्व यशाया नबी ने कहा था, वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया। वो दर्शन देख रहा है, वो दर्शन देख रहा है कि यीशु हमारे लिए घायल किया जा रहा है। परमेश्वर का पुत्र हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को अपनी देह पर उठा लिया और क्रूस पर कुर्बान हुआ, और अपने वचन के अनुसार कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जीवित स्वर्ग पर उठाया गया है, ताकि मानव जाति को जीवित आशा मिल जाए। हमारे लिए जीवन की आशा है तो केवल यीशु मसीह में है। हालेलुया। जीवित आशा है तो केवल यीशु मसीह में है, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है, जो मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया और हमारे गुनाहों का बोझ अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर दुख उठाया और कहा, हे पिता, इन दुख देने वालों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इन्हीं का तो पाप का बोझ मैं उठाने के लिए दुनिया में आया हूं, ताकि ये अपने अधर्म से, अपने अपराधों से आजाद हो सके। यीशु आज भी आपका बोझ कह रहा, अपना बोझ सर पर रखे तो लाए हो, अब मुझे दे दो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, अनंत जीवन दूंगा। एक बार एक कहानी है, पहले गांव में बैलगाड़ियां बहुत चलती थी, लोग बैलगाड़ियों से 5-5, 10-10 किलोमीटर का सफ़र किया करते थे। तो एक बैलगाड़ी जा रही थी गांव के पास से, करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर थी, और उसने देखा एक बुज़ुर्ग महिला जंगल से लकड़ी बीन कर अपने सर पर रखे ले जा रही थी। बैलगाड़ी वाले ने कहा, हे माँ, आ मेरी बैलगाड़ी में बैठ जा। वो आई और बैलगाड़ी में बैठ गई। जब उसका घर नज़दीक आया, गांव में आ गए, तो बैलगाड़ी हाँकने वाले ने कहा, उतर जा। मुड़ के देखा पीछे और उससे कहा, उतर जा माँ, तेरा घर आ गया। और उसने कहा, अरे, उसको जब देखा तो देखा, क्या देखा, कि वो सर पर लकड़ी का बोझ सर पर रखे हुए है और बैलगाड़ी में बैठी है। तो उसने कहा, तूने अपना बोझ उतार के बैलगाड़ी में क्यों नहीं रखा? ऐसे ही बहुत तेरे बहन भाई आए हैं यीशु दरबार में, अपना बोझ अभी तक उतारने को तैयार नहीं है, सर में रखे हुए है। इतना बोलने के बाद भी सर में रखे रहोगे? अपने सर पर इस बैलगाड़ी में बैठे हो, ये जीवन की किश्ती है यीशु दरबार,
ये नूह की किश्ती है, अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों की नाव है ये। जितने बैठ जाएंगे उतने उद्धार पा जाएंगे, लेकिन अपना बोझ जो सर पर लेके आए हैं आप उतार दीजिए और यीशु मसीह को दे दीजिए। कहिए, हे यीशु, मेरा ये बोझ है, मेरा ये रोग है, मेरी ये समस्या है, मेरी ये तकलीफ है, मेरा ये बोझ है बाल बच्चों के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, मेरा बोझ है मेरे काम धंधे में, ये परेशानी है, आज यीशु मसीह को दे दो, उतार दो। यीशु मसीह आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। क्या इस बात को तैयार हैं आप? अपना बोझ यीशु को देने को तैयार हैं? तैयार? विश्वास के साथ अपना बोझ उतारेंगे? बैलगाड़ी में बैठे हैं और सर पर रखे रहोगे? हैं? इस किश्ती में बैठे हो, नाव में बैठे हो, सर पर अपना बोझ रखे हुए हो, तो अगर बोझ उतारना है तो बस आंख बंद करके खड़े हो जाओ अपनी जगह पर और यीशु मसीह को दे दो। मैं गारंटी देता हूं कि यीशु मसीह आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। बोझ लेके गाड़ी में मत बैठो, बोझ है सर से उतार दो, अपनी आंखें बंद रखो और अपना बोझ जो आपके दिलो दिमाग में है, जो आपके मन में है, अपना मुंह खोल के कहिए, हे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस दुनिया में आए हैं हमारा बोझ लेने के लिए, हमारा रोग और बीमारी उठाने के लिए, हमारे पाप और श्रापों को उठाने के लिए। आपने अपनी देह पर हमारे पाप और श्रापों को, रोग और बीमारी को उठा लिया, हमारे परेशानियों को आपने ले लिया, हमारी समस्याओं को आपने उठा लिया है इस दुनिया में। हम केवल विश्वास के द्वारा अपना बोझ जो आज हमारे हृदय में है, अपनी समस्या जो आज हमारे हृदय में है, हे प्रभु यीशु, हम आपको देते हैं और विश्वास करते हैं। आपका वचन कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तेरे लिए आश्चर्य कर्म करेगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं और कर रहे हैं। आमीन। जय यीशु। अब आज की तारीख नोट कर लेना, आज का समय नोट कर लेना, किस समय आपने अपना बोझ प्रभु को दिया है, ठीक है? और आप आश्चर्य कर्म जब हो जाए तो गवाही देने के लिए दरबार में ज़रूर आना, ठीक है? आओगे गवाही देने? अपनी गवाही देने प्रभु के सामने ज़रूर आना, क्योंकि गवाही देने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। धन्यवाद करने वाला, हर एक कोई जो धन्यवाद करता है वो प्रभु की महिमा करता है, तो धन्यवाद देने ज़रूर आना दरबार में। ये समय है विशेष प्रार्थनाओं का। यदि आँखों में रोशनी नहीं है, कम दिखाई देता है, शरीर में दर्द है, पीड़ा है, कोई किसी प्रकार का रोग है, कैंसर है, बहरापन है, गूंगापन है, अपना एक हाथ सीने पर रखिए, दूसरा ऊपर उठाइए। आँखों में तकलीफ है तो आँख पर हाथ रख लीजिए, कान में है तो कान पर हाथ रख लीजिए, एक हाथ सीने पर रख लीजिए, दूसरा प्रभु की ओर उठाइए। कोई ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है, डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, चक्कर आता है, मिर्गी का रोग है, आज यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इन सब रोगों बीमारियों पर अधिकार लेते हैं और यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, जितने रोग और बीमारियों को हमने इस भवन में, कोई भी हो या टेलीविज़न के माध्यम से आप देख रहे हैं, हम यीशु के नाम से आपके ऊपर आशीष बोलते हैं और श्राप को तोड़ते हैं। हर एक अंधेपन, बहरेपन, गूंगेपन को निकलने का हुक्म देते हैं। दुष्ट आत्मा छोड़ दें तुम्हारे को, कैंसर की श्रापित आत्मा निकल जाए, जड़ से सूखे ये रोग और दोबारा कभी ना हो। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, चक्कर आना, मिर्गी के रोग, यीशु नाम से तुम्हें छोड़ दें। हर जोड़ जोड़ में दर्द, हड्डी हड्डी में हर प्रकार के दर्द और पीड़ा यीशु नासरी के नाम से आपके शरीर से निकल जाए।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके अपराधों के लिए घायल हुए थे, अपना शरीर घायल कराया था। यीशु हमारे अधर्म के लिए कुचले गए, हमारी शांति के लिए ताड़ना पड़ी, ताकि यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यीशु के कोड़े खाए जाने से मेरे प्रियो आप चंगे होते हैं। आमीन। प्रभु मुझे ले चल, प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद का वास। प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद का वास।